नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। खोरी गांव के बाशिंदों के समर्थन में आए ट्रेड यूनियन और युवाओं के समूह। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 8 जुलाई को यूपी के किसानों का प्रदर्शन। हमारी तीसरी खबर मध्य प्रदेश से। अवैध रेत खनन की रिपोर्टिंग कर रहे 6 पत्रकारों के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की। देश में 24 घंटों में 34,000 नए मामले, 3 महीने बाद 600 से कम मरीजों की मौत। हरियाणा में फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में अतिक्रमणों को हटाए जाने की नियत अवधि के नजदीक आते जाने से इलाके में तनाव बढ़ गया। हरियाणा पुलिस के निवासियों पर लाठी भांजने के बाद से हालात और तनावपूर्ण हो गए। इसी के साथ उस क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों के प्रति ट्रेड यूनियनों और असंख्य युवा समूहों का समर्थन बढ़ता जा रहा है, जो अपने घरों के ध्वस्तीकरण का खतरा झेल रहे हैं। ये संगठन इन तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, जिनमें निवासियों की न्याय की मांग को उनके संगठन के मंच से संबोधित कर रहे हैं, ताकि वे अधिक अनुशासित अभियान के रूप में संचालित हो सके। विगत 7 जून को सर्वोच्च न्यायालय ने फरीदाबाद नगर निगम को आदेश दिया कि वह वन की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बिना किसी अपवाद के सभी आवश्यक कार्रवाई करे। इसके लिए नगर निगम को 6 हफ्ते का वक्त मुकर्रर किया गया। खोरी गांव के बाशिंदे, उनमें से अधिकतर लोग वहां से 20 से 25 वर्षों में से रह रहे हैं। वे खुद के निशाना बनाए जाने पर विलाप कर रहे हैं। इसके अलावा न्यायालय का फैसला उन्हें ऐसे बुरे समय में उनको अपने घरों से बेदखल कर देगा, जब उनका घर परिवार कोरोना महामारी जनित आर्थिक चुनौतियों का भारी दबाव झेल रहा है। लोगों का कहना है कि इससे अधिक बुरा समय और क्या हो सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 8 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में किसान संगठन तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध करेंगे। कई किसान संगठनों ने अपने सदस्यों से गुजारिश की कि 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश के राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपने पेट्रोल डीजल वाहन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद कर दें। इस आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ ऑल इंडिया किसान सभा उत्तर प्रदेश, मजदूर किसान मंच, ऑल इंडिया किसान महासभा और ऑल इंडिया किसान फेडरेशन शामिल होंगे। संगठनों ने महिलाओं से सड़कों पर गैस सिलेंडर लाकर एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध करने को कहा है। पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 2 जुलाई को जिला खनन अधिकारी के शिकायत पर कथित तौर पर हंगामा करने और गाली गलौज करने के आरोप में 6 पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कथित तौर पर पत्रकार उसी शाम डीएमओ से मिलने गए हुए थे, ताकि जिले में बड़े पैमाने पर चल रहे खनन एवं रेत के भंडारण के सिलसिले में उनकी टिप्पणी हासिल की जा सके। पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार सभी 6 पत्रकारों पर डीएमओ सावन चौहान के साथ दुर्व्यवहार करने और गाली गलौज करने और चौहान, जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं, के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। चौहान की शिकायत में कहा गया है कि पत्रकारों के साथ बहस तब शुरू हुई जब उन्हें कार्यालय के बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया था। पत्रकारों के खिलाफ लगाए गए आरोपों में आईपीसी की धारा 147 यानी दंगा करने की सजा, 294 किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास किसी भी प्रकार का अश्लील गति, लोकगीत या शब्दों को सुनना या गाना, 353 यानी लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक शक्ति का इस्तेमाल करना, और 506 यानी आपराधिक धमकी के लिए सजा, और SC ST अत्याचार अधिनियम 1989 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी पत्रकार कथित रूप से NDTV, ABP, न्यूज नेशन, नेशन टुडे और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों से संबद्ध है। डीएमओ चौहान ने खरगोन से फोन पर न्यूज क्लिक को बताया, उन्होंने मेरी जाति के आधार पर मेरे साथ मेरे कार्यालय में दुर्व्यवहार और गाली गलौज किया, जिससे मेरी भावनाएं आहत हुई। और आखिर में हम बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34,703 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से आज 3 महीने बाद 600 से कम यानी 553 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 51,864 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 17,714 मामले कम हुए। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,06,19,932 हो गई, जिनमें से अब तक 4,03,281 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.16% यानी 2,97,52,294 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर
1.51% यानी 4,64,357 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 35,75,53,612 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 45,82,246 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंड में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। We'll be right back.